हेलो एवरीवन, आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे मिल्क और मिल्क में डालेंगे कुछ फूड कलर्स। कलर्स आपके सारे डिफरेंट होने चाहिए क्योंकि हम बनाने वाले हैं रेनबो मिल्क रेनबो। तो हम नेक्स्ट यूज करेंगे ईयरबड और उसके बाद हम यूज करेंगे लिक्विड डिश वॉश और उसके बाद हम अपनी ईयरबड को डिप करेंगे लिक्विड डिश वॉश और रखेंगे कलर्स के ऊपर और फिर आप देखेंगे कलर्स का एक डिफरेंट सा चेंज, कैसे हमारे कलर्स जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो साइंस कहती है जब भी लिक्विड डिश सोप ऐड होगा मिल्क के साथ विद द ड्रॉप्स ऑफ फूड कलरिंग ऑन द सरफेस, तो जो सोप होता है वो रिड्यूस कर देता है सरफेस टेंशन ऑफ द मिल्क और रिएक्ट करता है किसके साथ? फैट के साथ। तो इसी इंटरेक्शन के कारण जो फैट पार्टिकल्स होते हैं मिल्क में वो मूव करते हैं और क्या क्रिएट करते हैं? स्विल्स ऑफ कलर।